गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं आशुतोष मिश्रा। आज हम ऐसे विषय के साथ जुड़ेंगे आपके साथ जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जुडिशरी सभी के लिए उपयोगी है। फर्स्ट तो हम आज पढ़ेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास, जो सेक्शन किसमें दिया हुआ है, 441 में दिया हुआ है, किसमें, आईपीसी में, आईपीसी सेक्शन इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 441 में दिया हुआ है क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अधिकार बोलते हैं इसे। सेकेंड बात करेंगे हम लोग हाउस ट्रेसपास, गृह हथियार बोलते हैं उसे, 442 में दिया हुआ है आईपीसी के। और लास्ट हम पढ़ेंगे हाउस ब्रेकिंग, 445 जो कि आईपीसी 445 सेक्शन में बात करेंगे हाउस ब्रेकिंग, जिसे बोलते हैं गृह भेदन। तीन विषय पर आज बात होगी हमारी। तो फर्स्ट विषय है इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, कब वो क्रिमिनल ट्रेसपास होगा, आपराधिक अधिकार होगा। फर्स्ट है एंट्री इनटू और अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी के अन्य की संपत्ति में प्रवेश करता है। इफ सच एंट्री इज लॉफुल, वह जो प्रवेश था क्या था, विधिपूर्वक था, प्रवेश था, परंतु क्या होता है कि देन अनलॉफुल रिमेनिंग, वहाँ पे क्या विध विरुद्ध वहाँ पे बना रहता है, अपॉन सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे, उस संपत्ति पे। सच एंट्री और अनलॉफुली रिमेनिंग मस्ट बी विथ इंटेंट, किस आशय से बना रहता है वहाँ पे, दो आशय होने चाहिए उसके। फर्स्ट आशय है टू कमिट अन ऑफेंस और टू इंटीमिडिएट और इंसल्ट और एनॉय एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पहला दिया हुआ है कि कोई ऑफेंस, कोई अपराध करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए। दूसरा है कि किसी व्यक्ति को क्या करने के लिए, भयकाई करने के लिए, भयभीत करने के लिए, धमकाने के लिए या डराने के लिए, या उसको अपमानित करने के, इंसल्ट उसको अपमानित करने के लिए, या एनॉय क्षुब्ध करने के लिए, उसे निराश करने के लिए या परेशान करने के लिए वहाँ पे बना रहता है, तो किस में आ जाएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास में आ जाएगा। क्रिमिनल ट्रेसपास में एक चीज़ नहीं होनी, हो या ना हो जरूरी नहीं है, वह है क्रिमिनल फोर्स का उपयोग, जो कि सेक्शन 350 में दिया हुआ है, आईपीसी सेक्शन 350 में दिया हुआ है, क्रिमिनल फोर्स की बात करता है, आपराधिक बल के, ठीक है। उसका प्रयोग हुआ हो ना हो, ना हुआ हो, कोई अर्थ क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं है। क्रिमिनल ट्रेसपास में आपराधिक बल का प्रयोग होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसकी पनिशमेंट दी हुई है 447 में, जिसमें 3 मंथ की सजा है। क्या सजा है, कोई भी सजा मिल सकती है आपको, कठोर दंड और समान दंड के रूप में दिया जा सकता है, विथ फाइन एंड 500 और वो विथ वोट, मतलब दोनों दिया जाता है, फाइन लगाया जाता है 500 का, या आपको 3 महीने की सजा दी जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अगले सेक्शन बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं। बी और सी दो पर्सन होते हैं, बी इसके संपत्ति प्रवेश करता है, किस लिए प्रवेश करता है, कोई ऑफेंस करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए प्रवेश करता है, या कोई ऐसा अन्य ऑफेंस जो सेक्शन आईपीसी सेक्शन 120 से लेकर आपको 511 दिया हुआ है, कोई ऑफेंस करने के लिए वहाँ प्रवेश करता है, ठीक है। उसमें बीच में जो ऑफेंस किसी के भूमि पर जाकर किया जाता है, उस सब चीज़ बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर जाता है, वहाँ बना रहता है, और किस लिए बना रहता है, दो चीज़ें मैंने बताया कौन कौन से, वहाँ कोई अपराध करने के लिए, या किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए, निराश करने के लिए, या उसे अपमानित करने के लिए, या उसे भयभीत करने के लिए, तब वहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा। अगला सेक्शन हम पढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ हाउस ट्रेसपास, गृह हथियार की बात करते हैं। इन द केस ऑफ ऑफेंस हाउस ट्रेसपास द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव, जो प्रोसिक्यूशन अभियोजक है, जो इसने आरोप लगाया है अभियुक्त पे, उसके द्वारा अगर ये तीन जो विषय दिए हैं इसे क्या करता है, वो साबित कर देता है, तो क्या माना जाएगा, हाउस ट्रेसपास माना जाएगा, गृह अतिचार माना जाएगा। तो व्हाट दैट द एक्यूज कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास, वह जो एक्यूज है उसने क्या किया हो, क्रिमिनल ट्रेसपास किया हो, यहाँ क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब आपराधिक अधिकार, वही 441 वाला, उसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़ा हुआ 442 है। दैट सच क्रिमिनल ट्रेसपास वाज कमिटेड बाय एंटरिंग इनटू और रिमेनिंग इन बिल्डिंग, मतलब वह जो क्रिमिनल ट्रेसपास है, वह आपराधिक अधिकार जो है वह क्या होता है, किया जाता है वह कहीं पे, वहाँ पे कहीं पे एंट्री करके, किन स्थानों पर एंट्री करता है, बिल्डिंग कहीं एंट्री करता है, टेंट में या वेसल में, जलयान, वेसल में जलयान होता है, वहाँ प्रवेश करता है। तो उसके साथ साथ सच बिल्डिंग टेंट और वेसल यूज्ड एज ए ह्यूमन ड्यूलिंग, जो मानव के रहने के स्थान के रूप में उपयोग होता हो, या प्लेस ऑफ
वर्शिप पूजा का स्थान हो वहाँ पे, या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी कोई संपत्ति की अपरक्षा हो वहाँ पे कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, क्रिमिनल ट्रेस पास करता है और वहाँ बना रहता है तो क्या माना जाएगा, वह माना जाएगा गृह अत्याचार, हाउस ट्रेस पास। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है बी के घर के घर में प्रवेश करता है और वह प्लेस ऑफ वर्शिप पूजा के स्थान पहुँच जाता है। तो पूजा का स्थान पहुँचता है किस लिए पहुँचता है, कोई अपराध करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए, या उसको तीन जो तीन विषय और सेकंड वाले दिया था क्रिमिनल टेस्ट पास में उसे उसके करने के लिए पहुंचता है, क्षुब्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को, मतलब निराश करने के लिए या उसे अपमानित करने के लिए, इन सब विषयों से संबंधित अगर करता है एक तो क्रिमिनल टेस्ट पास होना चाहिए, दूसरा इन स्थानों पर होना चाहिए, तब वह जाएगा गृह अत्याचार बन जाएगा। सेक्शन 445 जो बात करता है गृह भेदन हाउस ब्रेकिंग बात करता है, ये 445 हाउस ब्रेकिंग बात करता है। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग ध्यान रखिएगा, हाउस हाउस ब्रेकिंग, ठीक है हाउस ब्रेकिंग बात करता है, गृह भेदन हिंदी में बोलते हैं, एंट्री इनटू हाउस थ्रू पासेज मेड, जो रास्ता बनाया गया पासेज बाय द एक्यूज हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा एकम्प्लिश जो अपराधी है, मतलब जो ये जो बेटर है उसका प्रवेश बात करता है, ऐसा मार्ग जो एक्यूज के द्वारा बनाया गया हो, जो अभियुक्त है उसके द्वारा बनाया गया हो उससे प्रवेश करता है, या जो क्या रहता है बेटर उस पर रहता है उसके द्वारा। ठीक है, दूसरा है एनी पासेज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन, यहाँ पे MEANT होगा, मेंट फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, जो रास्ता मानुष के प्रवेश के लिए नहीं है उससे प्रवेश करता है, एनी पासेज ओपेंड जो खोला गया है बाई एक्यूज हिमसेल्फ, स्वयं अभियुक्त के द्वारा या वेटर के द्वारा। ठीक है, कोई रास्ता खोला गया है, ओपन किया गया, ओपनिंग एनी लॉक, कोई लॉक खोला गया है फॉर एंट्री प्रवेश करने के लिए और एग्जिट निकलने के लिए, बाहर निकले घर से, घर में प्रवेश करने के लिए या निकलने के लिए, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स मतलब आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो और प्रवेश करने के लिए या वहाँ घर से बाहर निकलने के लिए, लिखा हुआ है डिपार्ट फ्रॉम द हाउस और फ्रॉम फॉर एंट्री इनटू हाउस, घर में प्रवेश करने के लिए घर से बाहर निकलने के लिए क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग किया गया, बाय एंट्रिंग और क्विटिंग थ्रू एनी पासेज, पासेज मतलब रास्ता, फास्टेनेट अगेंस्ट सच एंट्रेंस और एग्जिट, क्या किया गया हो इसको हिंदी में समझ लेते हैं, उस रास्ते को क्या किया गया हो, बंद किया गया हो तभी उससे प्रवेश करता है, वह जानता है उस विषय को कि वह रास्ता बंद किया गया, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान के रोकने के लिए बंद किया गया है और अपने द्वारा या उस गृह अत्याचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है, मतलब स्वयं उसको खोलता है, उसे प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, या वो जानता भी है कि उस रास्ते को बंद किया गया है किसी प्रकार के प्रवेश या प्रस्थान करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो हमने इसमें 6 पॉइंट पढ़ने थे, हम समझ लिए हैं उस 6 पॉइंट को, इसका एक उदाहरण समझते हैं। एक कोई व्यक्ति है बी के घर की चाबी पाता है गिरा हुआ, ठीक है, उसे घर जाता है, उसको उसके लॉक खोलता है, वहाँ पर उसने क्या किया, गृह भेदन किया, हाउस ब्रेकिंग किया। ठीक है, तो दूसरा पढ़ेंगे समझेंगे इसको, मान लीजिए ए जो है बी के घर जाता है और उसके खिड़की से प्रवेश करता है, उसके घर में खिड़की से प्रवेश करता है, तो वहाँ पे भी हाउस ब्रेकिंग आएगा, गृह भेदन आएगा। ठीक है, तीसरा मान लीजिए कोई व्यक्ति पहुँचता है उसके, मान लो ए पहुँचता है बी के घर और उसके उसका जो गेट का लॉक है, बी नहीं है घर पे, तो लॉक को तोड़ देता है। ठीक है, लॉक को तोड़ देता है तब क्या होता है, वो भी आ जाएगा हाउस ब्रेकिंग। तो ये सब चीज़ें जो विषय हैं, जो ऐसे विषय हैं जिससे हाउस ब्रेकिंग हो जाती है, उन 6 विषयों में से अगर एक भी होता है तो हाउस ब्रेकिंग में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।